सामने फ्लैग लगा पे इंडिया का, तो बिल्कुल हम फ्रंट पे इंडिया के, मतलब कि अगर आप दौड़ के भागना चाहें तो जा सकते हैं, इतना करीब है भाई इंडिया हमारे सामने, आप देख सकते हैं। हमारा था जो यहाँ पे जहाँ पे जो लड़के आए थे स्टूडेंट्स, उन्हें रोकने के लिए आया था कि यहाँ पे ब्रिज को ना हिलाएं, तो ये बच्चा भी बेचारा चले गया था साथ। तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो गाइस कैसे हैं सब लोग, तो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस आज है तीसरा दिन इस टूर का, और गाइस अभी है हम टॉप नीलम पे, नीलम टॉप पे हैं, और अभी हमने इस रेस्टोरेंट पे हम रुके हैं, आप देख सकते हैं नीलम विलेज व्यू, आप देख सकते हैं ये वाला रेस्टोरेंट है। और अभी बज रहे हैं सुबह के 8 और 6-7 बजे यहाँ पे था -5 सेंटीग्रेड चल रहा था, और बहुत ज़्यादा ठंडक थी, हद से ज़्यादा, सब कपकपा रहे थे, और दो कंबल लेने के बावजूद और हीटर चलाने के बावजूद भी ठंड लग रही थी। अभी बहुत तेज़ हवा चल रही है, बहुत ज़्यादा तेज़ हवा है और बहुत ही ज़्यादा ठंडी है। मैं आपको दिखाता हूँ, सामने सारे बर्फ़ के पहाड़ हैं, ये देख सकते हैं सारे बर्फ़ के पहाड़ हैं यहाँ पे आप, और सामने भी देख सकते हैं, सामने भी सारे बर्फ़ के पहाड़ हैं, और जो ये वाले पहाड़ दिख रहे हैं आप, ये हमारे बिल्कुल सामने हैं, ये है इंडिया, इंडिया हम इंडिया के बॉर्डर के बिल्कुल फ्रंट पे है। आज हमने स्टे किया था और बहुत ज़्यादा मज़ा आया, और एक चीज़ थी कि लाइट बार बार जा रही थी, अभी भी लाइट नहीं है यहाँ पर, और गैस का थोड़ा सा निज़ाम ख़राब है, लेकिन मज़ा बहुत आ रहा है क्योंकि ऊंचाई पे भी हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें डिफ़िकल्टीज तो आती हैं क्योंकि आप बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर हैं, मगर ओवरऑल बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस है और बहुत ही खूबसूरत जगह, बहुत ज़्यादा खूबसूरत जगह है। तो अभी आगे के अब हम जा रहे हैं, और आगे नाम मुझे नहीं पता है जगहों के, अभी ड्राइवर से पूछते हैं क्योंकि मैं नाम भूल जाता हूँ बहुत जल्दी, तो ड्राइवर से पूछेंगे और चलेंगे। और आगे अब जा रहे हैं जहाँ पर बर्फ़ मिलेगी हमें, और ज़्यादा ऊँचाई पर जाएंगे, शायद अभी हम नीचे से फिर दूसरी साइड पर जाके फिर ऊँचाई पर जाएंगे, और अभी नीलम व्यू जो है वो बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर है, बहुत ही ज़्यादा ऊंचाई पर है, रात में इतना पता नहीं चला था, ड्राइवर बोल रहा है जब नीचे उतर रहे होंगे। असल में ये बिल्कुल इस तरीके से 60 डिग्री पे इसका रोड है, और बहुत ही ज़्यादा पतला रोड है जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा डेंजर हो जाती है जगह। देख सकते हैं कि इस तरीके का पूरा होटल है, और इस तरीके की सारी जगह आप देख सकते हैं, सारे घर इस तरीके के बने हुए, बहुत ही खूबसूरत है, कॉम्बिनेशन के घर आप देख सकते हैं, सारे घर के कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं सारे घरों के कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे हैं, और बहुत ही ज़्यादा जो बोलते हैं ना पीसफुल जगह, ये वो जगह है, तो बहुत ज़्यादा पीसफुल है। आप बंदे यहाँ पे चेयर रखे और सुकून से कॉफ़ी चाय कुछ भी पिए, गर्म चीज़ बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, तो आप देख सकते हैं। तो चलिए हम नाश्ता करते हैं। तो गाइस देख सकते हैं ये कब्रें हैं जो आप देख रहे हैं ना, ये बनी हुई ग्रीन साइड में ये कब्रें हैं, और आप देख सकते हैं रोड किस तरीके के जा रहे हैं, सारे रोड्स आप देख सकते हैं कि किस तरीके के पूरे रोड जा रहे हैं, टेढ़े मेढ़े करते हुए सारे पहाड़ों पे जा रहे हैं। मेरे प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम सब के प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पे दरूद व सलाम भेजूं मैं सुबह हो शाम, आप हैं प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ए लोगों मैं कहता हूँ अपनाओ सीरत नबवी, कुरान को दिल से लगाओ, नमाज को ना छोड़ो, मेरे प्यारे नबी ने। टॉप से उतर चुके हैं, आप देख सकते हैं इधर ये बहुत ही खूबसूरत सा मंदिर है, ये देखें सामने बर्फ़ के पहाड़ दिख रहे हैं, और नीचे इस साइड से हम नीचे आए और देख सकते हैं यहाँ पे छोटा सा पुल बना हुआ है, और सामने इंडिया है, और ये नदी के इस तरफ है पाकिस्तान। एक बहुत ही खूबसूरत सा एक मंजर आप देख सकते हैं, ऊपर आप देखें कैसे पहाड़ हैं, और यहाँ पे हम और जो सामने दिख रहा है रेस्टोरेंट है, तो अभी हम यहाँ पे खाना खाएंगे और इन्जॉय करेंगे, तो अभी आपको दिखाते हैं कि यहाँ का नाश्ता किस तरीके का। सामने फ्लैग लगा पे इंडिया का, तो बिल्कुल हम फ्रंट पे इंडिया के, मतलब कि अगर आप दौड़ के भागना चाहें तो जा सकते हैं, इतना करीब है भाई इंडिया हमारे सामने, आप देख सकते हैं, बस बीच में शायद नदी है, आगे मैं आगे ज़्यादा जा नहीं रहा हूँ, आगे बॉर्डर बना हुआ है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पाकिस्तान का लगा हुआ है फ्लैग नीचे, और ऊपर लगा हुआ है इंडिया का, आप देख सकते हैं, और पूरा जितने भी दिख रहे हैं सारा इंडिया, आप देख सकते हैं सारा का सारा ये इंडिया है।
और बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि सामने इंडिया है, यहाँ पर पाकिस्तान है, बीच में हम खड़े हुए हैं और देख सकते हैं सारे इंडिया दिख रहा है हमें, इंडिया के लोग भी दिख रहे हैं यहाँ पे। और अब यहाँ पे नाश्ता करते हैं हम, तो गाइस अभी हम यहाँ पे नाश्ता करेंगे, आप देख सकते हैं। तो वहाँ पे हम जहाँ गए थे वहाँ पे नाश्ता बहुत जल्दी ख़त्म हो चुका था, हम थोड़े से लेट हो गए थे, तो इसलिए हम यहाँ पे आए नाश्ता करने के लिए। तो गाइस हमने नाश्ता कर लिया, नाश्ते की वीडियो इसलिए नहीं बनाई कि नॉर्मल नाश्ता कोई स्पेशल था नहीं, तो इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाई। अब आगे चलते हैं और बहुत ज़्यादा आज लेट हो गए हम, 12:30 यहीं पर ही हो गए नाश्ते में, तो अब आगे चलते हैं। दिल से दुआ है मेरी नसीब खुल जाए अभी, काबा का हो दीदार अभी, मेरे अल्लाह सुन ले मेरी। दिल से दुआ है मेरी अपना करम कर दे अभी, मामूली सा इंसान हूँ मैं होगी। तो गाइस अब हम पहुंच चुके हैं कुंडल शाही वाटरफॉल पे, ये बहुत ही खूबसूरत सी वाटरफॉल है और वही जगह है जहाँ आप लोगों ने एक वीडियो भी देखी होगी कि बच्चे मरे थे, एक कॉलेज के स्टूडेंट्स आए हुए थे, तो यहाँ पे एक जो पुल है वो पुल बना हुआ था टूट गया था और सब बहते हुए चले गए थे, तो वही जगह पर हम आए हुए हैं। तो आपको दिखाते हैं कुंडल शाही वाटरफॉल, देख सकते हैं इस तरीके का वाटरफॉल है, अभी पूरे खुशक पत्थर दिख रहे हैं आपको। इस पूरी जगह पर बहुत ज़्यादा तेज़ पानी होता है, पूरी जगह पानी में फुल होती है, आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पे हर जगह पहाड़ हैं, बहुत ही खूबसूरत है और लेयर बाय लेयर है, एक ऐसे करते करते नीचे आ रहे हैं और इन्होंने खेती बाड़ी भी कर रहे हैं सब लोग यहाँ पे। तो ये रहा पुल, पहले यहाँ पे लकड़ी का था वो टूट गया था, इन्होंने अब ब्रिज लोहे का बनवाया कि अब टूटे ना, और देख सकते हैं ये पूरा इस तरीके का पूरा एक वॉटरफॉल है, आप देख सकते हैं। दिल से दुआ है मेरी नसीब खुल जाए अभी, काबा का हो दीदार अभी, मेरे अल्लाह सुन ले मेरी। हमारा था जो यहाँ पे जहाँ पे जो लड़के आए थे स्टूडेंट्स, उन्हें रोकने के लिए आया था कि यहाँ पे ब्रिज को ना हिलाएं, तो ये बच्चा भी बेचारा चले गया था साथ। तो आप देख सकते 2018 देख सकते हैं, पूरा डेट भी लिखी हुई है, तो ये बच्चे मरा था यहाँ पे। ये है कुंडल वाटरफॉल और अब दूसरी लोकेशन पे चलते हैं, ये आपको मैंने दिखा दिया और देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत जगह है, तो ये भी आप अगर आ रहे हैं तो यहाँ पे भी आ सकते हैं। सरकारे दो आलम यानी कि नबी आखरी, सरदारे दो आलम सरकारे दो आलम सरकारे दो आलम यानी कि नबी आखरी, सरदारे दो आलम फूटी है ज़ियाए जो अनवारे दो आलम, सरकारे दो आलम यानी कि नबी आखरी। तो कहते हैं हम कश्मीर के जो आबशार है उसमें पहुंच चुके हैं, आप देख सकते हैं ये भी कश्मीर के ये सारे भी दूर हैं, तो अभी चलते हैं इसके करीब और हमें जो ये लिफ्ट है लिफ्ट से तरीके से हमें जाना पड़ेगा। तो कैसे हम आ गए हैं और हम जा रहे हैं अब इस लिफ्ट में, आप देख सकते हैं इस तरीके की लिफ्ट है और इस पूरे लिफ्ट में अब हम जा रहे हैं। तो कैसे अब जा रहे हैं हम आगे, आप देख सकते हैं इस तरीके की लिफ्ट है और अब हम जा रहे हैं आगे, देख सकते हैं इस तरीके की, अब हम इसके अंदर जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं हम, देखिए इशारा दे रहे हैं और अब हम जा रहे हैं इसको, ठीक है। देखिए ये भैया मोटर से चल रही है, खींचने वाली नहीं है, जो वहाँ पे बैठे तो खींचने वाली थी। देख सकते हैं इस तरीके से जा रही है, बहुत ज़्यादा स्पीड में जा रही है, देख सकते हैं कितनी ज़्यादा स्पीड में गई है। तो क्या देख सकते हैं ये इंजीर का दरख्त है, देख सकते हैं यहाँ पे जैसे ही हम उतरेंगे यहाँ पे इंजीर का दरख्त लगा हुआ है और एक इंजीर भी लगी हुई है, इसमें आप देख सकते हैं ये इंजीर का दरख्त है। तो माशाल्लाह से बहुत ही ज़्यादा इको फ्रेंडली है और बहुत सारे हमारे यहाँ जो होता है वो ये होता है कि यहाँ पे सिर्फ नॉर्मल दरख्त लगे हुए ट्रीज होते हैं, यहाँ पे सारे फ्रूट्स के और सारे यूज़फुल ट्रीज हैं, कोई भी ऐसे यूज़लेस नहीं है। तो इस जगह पहुंच चुके हैं, ये रही हमारी कश्मीर आबशार,
वाटरफॉल देख सकते हैं, एक बहुत ही खूबसूरत सा है। और यहाँ पे जो मैं अपने गाइड से पूछा तो नीरम पॉइंट जो है वो बोले कि बस वहाँ पे ये है कि चारपाई लगाई हुई कोने पे, लेकिन जो एक्चुअल जो खूबसूरत ब्यूटीफुल प्लेस है वो ये है क्योंकि यहाँ पे बोटिंग भी हो रही है, लेक व्यू भी है और आबशार भी है। तो और यहाँ पे आप खाने पीने की भी जगह भी है, वो सिर्फ फेमस इसलिए है कि वहाँ पे चारपाई, वहाँ पे आप सुकून से बैठे लेक के बराबर में। और वीडियो बनाते बनाते मुझे खूबसूरत चीज़ दिखी, मैं आपको दिखाता हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल फ्लावर लगे हुए, येलो वाले कैमरे में बहुत दूर हैं, कैमरे तो पता नहीं चल रहे, तो करीब जाके मैं आपको दिखाऊंगा, कोशिश करूंगा। तो देख सकते हैं कितने ज़्यादा खूबसूरत और बहुत बड़े फ्लावर्स लगे हुए हैं। ये है वाटरफॉल, कश्मीर वाटरफॉल। तो ये बहुत ही एक टूरिस्टिक स्पॉट है और बहुत ज़्यादा खूबसूरत जगह है। तो और हद से ज़्यादा ठंडा के नीचे जैसे आया हूँ, हर वाटरफॉल एक दूसरे से अलग है, इन्होंने बनाई हुई हर चीज़ एक दूसरे से डिफरेंट है यहाँ पे, और हर व्यू एक दूसरे से डिफरेंट है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। और ये वाटरफॉल है, यहाँ पे खाने पीने की सारी जगह है, तो आप यहाँ पे आके खा भी सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं यहाँ पे। तो अभी हम बहुत ज़्यादा लेट हो गए हैं, असल में वहाँ से हम बहुत दूर से आ रहे थे, नीलम टॉप पॉइंट से आ रहे, नीलम टॉप से आ रहे थे हम, और अभी यहाँ पे आए क्योंकि अंधेरा होने वाले एक घंटे में। तो जल्दी जल्दी आए हम यहाँ पे और थोड़ा इन्जॉय करते हैं यहाँ पे, फिर उसके बाद हम चलेंगे अपने असल जगह पे। तो कहते मैं पहुँच गया हूँ, ऊपर चढ़ गया हूँ जगह से और मैं आ गया हूँ इस तरीके की वॉटरफॉल है। मैं ज़्यादा करीब नहीं जा रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडा गया, गीला हो गया ना तो हालत बुरी हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं वॉटरफॉल है, तो अभी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, हाथ लगाता हूँ थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूँ। तो हद से ज़्यादा ठंडा पानी है, बहुत ज़्यादा ठंडा पानी है, अगर आप गीले हो गए तो आपकी RIP हो जाएगी यहाँ पे ठंड की वजह से। तो ये देख सकते हैं ये इस तरीके की पूरा वाटरफॉल है, और मैंने यहाँ से कुछ यहाँ के मशहूर मैंने ये ले लिए थे, यहाँ पे बोल रहे थे ये बहुत ज़्यादा मशहूर है यहाँ पे, तो मैंने ले लिए। गुड़ की तरह ही लंबी लंबी स्टिक्स हैं, शुगर स्टिक्स कह सकते हैं यहाँ पे से, और इस तरीके की है। तो मैं नीचे डाल के वाले फ्लावर दिखाता हूँ, नीचे से आपको दिखाता हूँ किस तरीके का है। अगर देख सकते हैं मैं करीब आ गया इस फ्लावर के, मैं छूँगा नहीं क्योंकि कोई एलर्जी वाले फ्लावर ना हो। तो आप देख सकते हैं ये बहुत ज़्यादा बड़े फ्लावर्स हैं, आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा बड़े हैं, अनयूजुअल हैं फ्लावर्स, और आप देख सकते हैं। तो गाइस सबसे ज़्यादा मुझे जो लग रहा है सबसे अच्छा टाइम यही आने के लिए, क्योंकि यहाँ पे ठंडक भी अच्छी खासी है, ठंडक तो वैसे हर जगह पे ही है, लेकिन जो व्यू है और जो टाइम है और जो इस जो सनराइज़ हो रहा है और जो ये व्यू है ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा है इस टाइम पे, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा टाइम है। तो मस्त रिकमेंडेड है कि अगर हो सके तो इसी टाइम पे आएँ, एक घंटा होगा आपके पास। बोटिंग मैं नहीं करूँगा क्योंकि बोटिंग का व्यू जो है वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, तो मैं किसी को भी रिकमेंड नहीं करूँगा बोट में बैठे क्योंकि बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। अगर आप डूब गए, अगर आपको स्विमिंग भी आती है, इतना ठंडा पानी है, आप ठंड से ही मर जाएंगे, बहुत ज़्यादा ठंडा पानी है, तो मैं किसी को भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि बोट में बैठे। देख सकते हैं ये है यहाँ पे बोटिंग की प्लेस, और देख सकते हैं यहाँ नीचे आ गया हूँ मैं, और यहाँ पे लिखा हुआ है एंजॉय स्विमिंग पूल। तो आप देख सकते हैं स्विमिंग पूल तो कम लग रहा है, गटर नाला ज़्यादा लग रहा है अभी राइट, लेकिन यहाँ पे जो है झरने का पानी ही आ रहा है, लेकिन यहाँ पे लोगों ने बहुत ज़्यादा कचरा फेंका हुआ है जो बहुत ज़्यादा बुरी बात है। और 50 रुपीज़ में आप लिखा हुआ है कि आप इन्जॉय कर सकते हैं, तो ये इस तरीके की स्विमिंग पूल है, लेकिन अभी तो बहुत ज़्यादा ठंडा है तो कौन करेगा इस वक्त स्विमिंग। तो यहाँ ये है असल जगह जहाँ पे बोटिंग हो रही है, तो आप देख सकते हैं, तो देख सकते हैं इस तरीके के यहाँ पे बनाना के भी लगे हुए हैं, ऊपर दिखाया है कि इंजीर का भी पौधा है यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं। लेकिन हम जिस टाइम पे आए, वैसे एक चीज़ है, मैं जहाँ जहाँ भी जाता हूँ, जो दूसरी बात मैं जो आपसे कह रहा था वो ये थी कि पता नहीं ऐसा क्यों मैं कहीं पे भी जाता हूँ वो मौसम होते ही नहीं है, जैसे यहाँ पे आके यहाँ पे कैसे ऑरेंजेस का मौसम है, और जैसे फिक्स हो गए मतलब कि इंजीर हो गई और बाकी जो जो यहाँ की सौगातें हैं जैसे नट्स हो गए, वॉलनट हो गया, इसका मौसम अभी है ही नहीं। जैसे मैं कोयटा गया था एक दफ़ा, तो वहाँ पे होते हैं शहतूत, तो शहतूत का भी मौसम नहीं था, और उस वक्त वहाँ पे खुबानी और एप्पल वो भी नहीं थी। तो जहाँ जहाँ जाता हूँ उस वक्त कोई मौसम ही नहीं होता उन चीज़ों का, तो दैट इज़ अ थिंग दैट हैपन टू मी। और कमेंट में बताइए किसके के साथ होता है। और अब फाइनल दिखाते हैं आपको नीचे बोटिंग की जगह, और देख सकते हैं यहाँ पर ये बोट, और देख सकते हैं कितनी स्पीड मारी है, और ये रही हमारी फाइनल में बोट। तो आप देख सकते हैं ये है बोट जो बहुत ही ख़तरनाक, मैंने भी देखा था, अभी चला नहीं रहे, इतनी बुरी तरीके से चला रहे थे ये, तो मैं तो देख के डर गया, तो मैं तो नहीं बैठूंगा इसमें। तो आप देख सकते हैं लाइफ जैकेट भी रखी हुई, लेकिन इसका कोई फ़ायदा होता नहीं, इतना तेज़ पानी कहाँ से कहाँ ले जाएगा। तो देख सकते हैं
ये इस तरीके का, और ये रही पूरी लेक। तो मैं अभी फर्स्ट टाइम आया हूँ इतना करीब इस लेक के, तो आप देख सकते हैं इस तरीके के। और पूरी जहाँ जहाँ मैं गया हूँ सारी जगहों पे ये लेक आई है, और आपने देखा भी होगा वीडियोस में। तो गाइस यहाँ पे और कुछ ज़्यादा नहीं है, यहाँ पे एक वाटरफॉल है, यहाँ पे एक स्विमिंग पूल बनाया हुआ है, और यहाँ पे बोटिंग की जगह है, और अच्छी जगह है, बहुत ज़्यादा अच्छी नॉर्मल जगह है। ज़्यादा मुझे, क्योंकि मैंने इतनी अच्छी अच्छी अभी जगहें देख ली हैं, तो ये मुझे नॉर्मल लग रही है अभी। देखिए अच्छी है, नॉट बैड। और आप देख सकते हैं दूसरी जगहों से तो बहुत अच्छी, लेकिन मुझे सबसे बुरी बात जो लग रही है ना, इन्होंने गंदगी बहुत फैलाई हुई है यहाँ पे इन्होंने गंदगी बहुत की हुई, पानी भी गंदा किया हुआ इन्होंने सारी जगह पे कचरा फेंका हुआ। तो प्लीज़ ऐसा नहीं किया करें, कचरा नहीं फेंका करें यहाँ पे। तो इतनी प्यारी प्यारी जगहों को कितना गंदा कर देते हैं आप लोग। तो गाइस यहाँ पे इतना ही था, और अब दूसरे स्पॉट पे चलते हैं। वैसे अंधेरा होने वाला है, कोई और स्पॉट पे जाएंगे नहीं, अब हम अपने रेस्टोरेंट में जाएंगे, और जहाँ पे हमें असल जाना है वहाँ चलेंगे, और रात के टाइम होगा। तो रात में मैं इतनी वीडियो नहीं बना पाता हूँ, क्योंकि अंधेरा हो रहा होता है, कैमरे में इतना कैप्चर नहीं कर पा रहा होता है। तो अब खाना खाएंगे और अपनी जगह पर चलेंगे, तो वहाँ चलते हैं। वही यहाँ पे हमने फ्राइज मंगवाए हैं, और देख सकते हैं फ्राइज और केचप और ये चाय, तो बहुत मज़े के लग रहे हैं फ्राइज, और देख के खा कर के कैसे हैं। दिल से दुआ है मेरी, नसीब खुल जाए अभी, काबा का हो दीदार अभी, मेरे अल्लाह सुन ले मेरी। दिल से दुआ है मेरी, अपना करम। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं अपने होटल पे, आप देख सकते हैं होटल बहुत ज़्यादा अच्छा है, सब में से ज़्यादा लग्जोरियस होटल लग रहा है। और चलिए अंदर चलते हैं, और भी बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा सफ़र था, और अब चलते हैं अंदर होटल में। तो होटल देख सकते हैं ये इस तरीके का है, और बालाकोट में भी हम आए, अगर मेरा नाम अभी याद है, बालाकोट है इसका जगह का नाम। और देख सकते हैं ये है होटल, देखने में तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो चलिए देखते हैं, क्योंकि अंदर से भी अच्छा है या नहीं। तो चलिए और देखते हैं कि किस तरीके का होटल है अंदर रूम से। तो आप देख सकते हैं बालकनी में आ गया हूँ, बालकनी तो अच्छी लग रही है देखने में। और अब हम चलते हैं और रूम के अंदर, देख सकते हैं कितनी अच्छी जगह है, बैठने की भी बनी हुई है। तो अभी रूम डिसाइड हो रहे हैं, सर में यहाँ पे पानी का थोड़ा मसाला चल रहा है, तो रूम भी डिसाइड हो रहे हैं, फिर रूम डिसाइड हो जाए तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइस देख सकते हैं ये रूम हमारा डिसाइड हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पे एक सोफ़ा का बेड लगा हुआ है, और एक मास्टर बेड यहाँ पे, और इसी तरीके के हमने दो रूम लिए हैं। तो आप देख सकते हैं ये इस तरीके का है, और ये आप देख सकते हैं, और अंदर ये है हमारा वॉशरूम, फिर वैसी है। तो ये है और हमारा, और यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि खाने का बा किस तरफ है, ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि बहुत दफ़ा टूरिस्ट को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो ये है हमारा रूम, और ये देख सकते हैं इस तरीके का है पूरा रूम, और बहुत छोटा है इस कम्पेयर टू अदर रूम जो हमने अभी लिए हैं। तो मगर व्यू जो है बहुत, इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं सामने माउंटेन्स हैं, और अभी तो अंधेरा हो रहा है, लेकिन जैसे ही इंशाल्लाह सुबह होगी और जब हम देखेंगे व्यू, तो बहुत ही ज़्यादा एक्सेप्शनल होगा इंशाल्लाह ताला। असल में लग रही है अब हमें बहुत बुरी तरह भूख, तो अब देखते हैं कि हम खाने में क्या खाते हैं। तो गाइस अब खाना लिया है होटल में अपने, और होटल में खाते हैं खाना। तो गाइस मौसम बड़ा प्यारा हो रहा है, और अब खाने का इंतज़ार कर रहे हैं, खाना लगने वाला है। और देख सकते हैं बहुत ज़्यादा अच्छा है यहाँ का एनवायरनमेंट, और सबसे अच्छा होटल जो मुझे लग रहा है अभी तक का सबसे अच्छा होटल यही है। और क्योंकि बाहर लॉन भी है, वो मैं आपको सुबह दिखाऊंगा, और बहुत ज़्यादा अच्छा एनवायरनमेंट है, चेयर दिली भी हैं, और बहुत सारी चीज़ें अच्छी हैं यहाँ पे। तो अब खाना, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, ए रसूले आमी खतमल मुरसली, मुस्तफा मुज्तबा तेरी मद्दा हुसना, दिल को हिम्मत नहीं, लब को यारा नहीं, ए रसूले आमी खतमल मुरसली।